जैसे शनि देव का सबसे बड़ा मंदिर है सिंगणापुर में, मंगल भगवान का ग्रह का सबसे बड़ा मंदिर है उज्जैन में, वैसे ही ये आप देख रहे हैं बुध ग्रह का सबसे बड़ा मंदिर और सिर्फ एकमात्र मंदिर पूरे इंडिया में। ये जो आप देख रहे हैं ये अभिषेक हो रहा है महादेव का, इनके बारे में बाद में बताते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध भगवान की नहीं, हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। यहाँ पे मूर्ति चार भुजाधारी है भगवान की, इन्हें तमिलनाडु में बुधम टेंपल भी कहा जाता है। थिरुवेंकडु में है ये बुधन कोयल, कोयल का मतलब मंदिर होता है वहाँ पे। इन्हें दक्षिण का तमिलनाडु का वाराणसी भी कहा जाता है। और यहाँ पे महादेव का नाम है श्वेतार्णेश्वर शिव और पार्वती जी को, ये देखिए ये है बुद्ध जी की मूर्ति, ये जो ब्लैक कलर की मूर्ति आप देख रहे हैं, श्री पार्वती जी का नाम यहाँ पे ब्रह्म विद्याम गई है। नवग्रह में बुध ग्रह का ये इकलौता मंदिर है। बुध रिलेटेड है बुद्धिमानी के लिए, शांति के लिए, बुद्धि के देवता कहा जाता है बुध देवता को। तीसरे और छठे घर के मालिक हैं बुध भगवान, जिनका बुध अशुभ होता है। बुध को इंग्लिश में मरकुरी ग्रह कहा गया है। जिनका बुध अशुभ होता है उनकी अपने लाइफ पार्टनर से, पति हो तो पत्नी से और पत्नी की पति से नहीं पटती। बिजनेस तो चलता है लेकिन उसकी प्रगति अटक जाती है। माँ बीमार रहती है, पिता से विचार नहीं मिलते, नुकसान होता है उनको, अक्सर दांतों की और नसों की प्रॉब्लम होती है। जिनका बुध ग्रह बुरा होता है या बिगड़ा होता है वो बच्चे तोतलाते हैं, बोलने में अटकते हैं, लोग अंदर ही अंदर हीन भावना पैदा होती है और कई लोग तो आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं। बुध ग्रह जिनका पीड़ित होता है वो गंजे भी हो जाते हैं और स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर बुध भगवान की कृपा होती है उनमें राजयोग होता है। 18 से 42 साल की उम्र में वो अच्छा पैसा कमाते हैं। बोलने का तरीका उनका बहुत बढ़िया होता है, किसी को भी वो आकर्षित कर सकते हैं। उनको लिखने का शौक होता है, अकाउंटेंट कैलकुलेशन में वो बहुत बढ़िया होते हैं। जिनका बुध ग्रह खराब हो उन्हें गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। तर्क वितर्क में बुध ग्रह जिनका अच्छा होता है वो बहुत पावरफुल होते हैं, शिक्षा और सलाहकार के क्षेत्र में काफ़ी आगे होते हैं। माता और पिता से उनकी अच्छी बनती है और वो खुश मिजाज होते हैं। जिनका बुध ग्रह बुरा हो उन्हें यही करना चाहिए, माता पिता की सेवा करें, हरी सब्जियां खाएं, बहन बेटियों का सम्मान करें, हरे कपड़े का दान करें, हिजड़े को मूंग भिगो के पक्षियों को डालें, कुत्ते की सेवा करें। बुध ग्रह का मंत्र है प्रियंगु कलिका श्यामम रूपे नाम बचम बुधम सौम्यम सौम्य गुण प्रत्येतम तम बुधम प्रमाणयम। दूसरा मंत्र है आसान सा ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, उससे भी आसान मंत्र है भूम बुधाय नमः। अब बात करते हैं महादेव का अभिषेक, आप देख रहे हैं वीडियो चालू रहेगा, बीच में थोड़ा अटक रहा है काटे जाना। नंदी के शरीर पे यहाँ 9 छेद है नंदी जी की मूर्ति पे, क्योंकि महादेव से युद्ध करने से पहले नंदी जी से लड़ना पड़ा सूर्पदम राक्षस को, लेकिन नंदी जी नहीं रोक पाए। तब महादेव ने खुद यहाँ पे अगुर मूर्ति का रूप दिया। ये जो मूर्ति का आप अभिषेक देख रहे हैं ये हल्दी से हो रहा है और ये अगुर रूप है उनका, इसी रूप में प्रकट हुए थे और सूर्पदम राक्षस को मार दिया था। महादेव ऐसा कहा जाता है कि तांडव का अभ्यास या तांडव जब खुशी में होते थे तो यहीं पे करते थे। बुध ग्रह की पीड़ा से मुक्त होने के लिए यहाँ पे 17 बार परिक्रमा की जाती है और हर परिक्रमा में एक दीपक जलाया जाता है, यानी 17 परिक्रमा में 17 दीपक जलाए जाते हैं। जो लोग भी साउथ में गए हैं वो जानते हैं कि साउथ के मंदिर कितने बड़े बड़े होते हैं और उनमें से ये भी एक मंदिर है।
बुद्ध भगवान के अलावा यहाँ पे पूजा होती है आगोरी रूप में, आगोरी मूर्ति के महादेव की। ये आगोरी मूर्ति आप देख रहे हैं, श्वेत रामेश्वर जी की यहाँ पे पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है, सरस्वती जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, काली और अन्य कई देवताओं की यहाँ पे पूजा होती है। इंद्र के वाहन है सफ़ेद हाथी, उन्होंने भी यहाँ पे आकर तप किया था। इस मंदिर को आदि चिदंबरम के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अटक गया है लेकिन देखते रहिएगा, आगे वीडियो शीघ्र चालू हो जाएगा। यहाँ पे सफ़ेद और हरे कपड़े चढ़ाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अग्नि प्रकट का त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, जो कार्तिक महीने में होता है, 10 दिन का त्यौहार होता है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि बुरी चीज़ों से बचने के लिए, बुरी आत्माओं का हम पे असर ना हो, इसलिए इसे कार्तिक दीपम कहा जाता है, जो कि कार्तिक मास की कार्तिक पूनम तक 10 दिन तक चलता है। कावेरी नदी और मंदाकिनी नदी के किनारे पे बसा है ये मंदिर, जिसे तमिलनाडु में बुद्धम टेम्पल कहा जाता है। जगह का नाम है थिरुवनंतपुरम। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक खुला रहता है, 12 से 4 बजे का है, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है कुंभकोणम तमिलनाडु में, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर लोकल ट्रेन पकड़ेंगे तो मयिलादुथुराई पटेल स्टेशन है, वहाँ से जो 26 किलोमीटर है कुंभकोणम से 7 किलोमीटर है। और पास का छोटा स्टेशन है सरकाजी, पास में एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली। अभी आपने बुद्ध भगवान के दर्शन किए। तमिलनाडु में राहु केतु जी का भी मंदिर है, वो वीडियो देखने के लिए भी लिखिएगा राहु केतु मंदिर राकेश खन्ना सूरत। 100 से ज़्यादा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। यात्रा किसी को करवाना पुण्य का काम है, इसीलिए मैंने ये आपको भेजा है। और आप भी इसे 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में और फेसबुक पे सेंड करिए, अगर आपको लगे कि भेजना चाहिए। भगवान बुद्ध की कृपा आप पे बनी रहे, आपका बुद्ध ग्रह पावरफुल हो, आप बुद्धिमान हो, माँ बाप से आपके संबंध अच्छे रहें, इसी कामना के साथ में आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जय श्री बुद्ध भगवान। आगे दर्शन करते रहिएगा, चैनल को मन करे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। जय महादेव, जय गणेश। यह बुद्ध भगवान की पुरानी मूर्ति।